अभी अकेला गलत बात। तूने बचपन में वो कहानी नहीं सुनी, एक लकड़ी तोड़ो टूट जाती है, एक साथ तोड़ो नहीं टूटती। तुम सब मिलकर छह हो, अगर एक साथ आओ तो अपुन खलास। फाइटिंग का असूल नंबर एक, दुश्मन पर कभी विश्वास मत करो। तुम दुश्मन पर विश्वास किया, तुम लोग का चांस गया। अभी अपुन का चांस मतलब तुम लोग खलास। ये रुमाल तेरे। सब लोग खलास। आये हो, हम इसको गीदड़ बोला, लेकिन ये तो गीदड़ का काल में चुपेला शहर निकला। अवतार, अरे ए अवतार, अरे उठा भैया, तोहरी ड्यूटी का बखत कोई गवाह है। अरे तेरे ड्यूटी को लंगोटी मारूं, खुर्दा धोती आ गया तू। अरे वो तो दिलदार स्वामी मुझे मिल गया, इसलिए अवतार यहाँ रुक गया। अरे देखा मालकिन तो उसे मिले यहाँ। हाँ। कौन मालकिन यार, कौन? नमस्ते। अवतार, इस गांव में उतरते ही तुमने यहाँ के गुंडों का जो स्वागत किया है, वाकई हम तुम्हारी तारीफ किए बिना नहीं रह सकते। तुम्हारी हिम्मत देकर मजदूरों में भी हिम्मत आ गई है, वो काम पर जाने के लिए तैयार हो गए हैं। हमें ऐसा लग रहा है जैसे अब हम अकेले नहीं रहे, हमारा साथ देने वाला हमारा कोई साथी आ गया है। ऑल द बेस्ट, बाय। नमस्कार बाबूजी। नमस्कार, नमस्कार। नमस्ते बाबूजी, आज हम आप ही के बल से काम पर लगे हैं। बिंदास, डरने का ना है। तुम संगीता जी की लकड़ी काटो, मैं दुश्मन की मुंडी काटूंगा। नमस्ते संगीता जी। नमस्ते अवतार जी। जी, मुझे जी कहा? तुम्हारी बहादुरी की कसम, तुमने सारे गांव का ही नहीं हमारा दिल भी जीत लिया है। सच? अरे हाँ अवतार जी, मैं आपको, अरे ये रुपए कैसे? संगीता जी, मैं आपकी ये पैसे लौटाने आया हूँ। कमाल है, हमने तो सुना था कि बगैर पैसे के तुम मच्छर भी नहीं मारते। वो संगीता जी, वक्त और हालात तो किसी को भी बदल देते हैं, और मैं तो इंसान हूँ, और रही मच्छर की बात, वो तो इंसानों का खून चूसते हैं। मैं तो कभी कभी थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ। तुम्हारा ये मजाक वाला अंदाज हमें बेहद पसंद आया। और मुझे आप। वैसे पसंद तो आप भी हमें आए हैं। हमें ही क्या, सारे गांव वालों को भी पसंद आए हो, इसीलिए गांव वाले आज तुम्हें मान पत्र देने वाले हैं। मान पत्र? हाँ, मगर तुम वहाँ शराब पी कर मत आना। जी जी, आज के लिए पीना बिल्कुल बंद। पीना क्या, आप कहे तो जीना छोड़ो। नहीं बाबा, मेरे लिए तुम्हारा जीना बहुत जरूरी हो गया है। तब तो नहीं पीऊंगा, आज एक बूंद भी नहीं पीऊंगा। मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ? मेरे लिए? हाँ, तुम्हारे कारनामों पर मामूली सा इज्जत भरा तोहफा।
क्या हुआ? संगीता जी, बचपन में मेरा एक दोस्त था जो हमेशा इसी तरह मुझे तोहफे दिया करता था, बिछड़ गया मुझसे। यह रही उसकी तस्वीर। अरे राम, क्या बढ़िया साइकिल है यार। ये मेरे दादाजी ने दी है। एक राउंड चलाने को देना यार। चलाने? अरे देखने दिया, यही क्या कम है। और ये मेरी पसंद की साइकिल है, और मेरी पसंद की चीज मैं किसी को नहीं देता। चला वो भाव का है। बजाता है तू, तेरा भी जवाब नहीं और तेरा भी कमाल नहीं। लोग तो मुर्गी की कुकड़ को सुनकर उठते हैं, और तू यार ये वायलिन की धुन सुनकर। अरे यार वो देख कितनी खूबसूरत साइकिल है। अरे ये तो एटलस की साइकिल है, और वो भी घेर वाली, बड़ी कीमती होगी। हाँ यार वो तो है, मगर यार जिसकी भी होगी बड़ा किस्मत वाला होगा। क्या तुझे साइकिल इतनी पसंद है? छोड़ यार, जो चीज मिल नहीं सकती उसे पसंद करके क्या फायदा। अरे पगले, ये साइकिल मैं तेरे लिए तो लाया हूँ। क्या ये साइकिल तू मेरे लिए लाया है? हाँ हाँ तेरे लिए, ये ले चाबी। वाह यार क्या साइकिल दी है ये। राम तू तो कहता था कि मैं अपनी साइकिल किसी को नहीं देता हूँ, तो फिर इसे कैसे दे दी? बताओ क्यों? क्योंकि अवतार मेरा दोस्त है। बेटे विलायत नहीं जाओगे तो अपने पिताजी का इतना बड़ा बिजनेस कैसे संभालोगे? नहीं दादाजी, हम अपने दोस्त अवतार को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अच्छे बच्चे जिद नहीं किया करते। एक ही तो दोस्त है हमारा, क्या मुझसे भी दूर हो जाएंगे? दोस्त कभी दूर नहीं होते, क्योंकि दोस्ती तो दिलों में जीती है। अरे विलायत से जब तू पढ़ लिख कर खूब बड़ा आदमी बनकर आ जाएगा ना, तो इस गाँव में तेरा भी भाव बढ़ जाएगा। क्या तू भी यही चाहता कि मैं तुझे छोड़कर चला जाऊँ? इस तरह रोते हुए नहीं, हंसते हुए जाएगा तू। हर रोज कैलेंडर में तेरे लोड कराने वाली तारीख को ढूंढता रहूंगा मैं। अब जिस तरह उसकी यादें मेरे पास हैं, शायद मेरी यादें भी उसके पास होंगी। अब कहाँ है तुम्हारे ये दोस्त? आओ बेटे आओ, वेलकम होम। बेटे तुम्हारे कदम क्यों रुक गए? क्या हुआ दादाजी?
अवतार